हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पैन कार्ड धारकों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो 30 जून 2023 लास्ट डेट बताई थी, उसके बाद 1 जुलाई 2023 से आप सभी का पैन कार्ड ऑन ऑपरेटिव हो जाएगा। आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया दोस्तों, ये आप कैसे चेक करोगे कि आपका पैन कार्ड अभी एक्टिव है या अभी एक्टिव नहीं है? तो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक दोस्तों, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। आपको जो पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले तो ई फिलिंग वाली वेबसाइट पर आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको ऊपर चलना है, ऊपर चलना है दोस्तों, और यहाँ पर जो वेरीफाई योर पैन इस जो वाला ये वाला ऑप्शन है, इसको आपको दबाना होगा। दबाने के बाद दोस्तों मैं क्रोम में इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपका जो पूरा नाम है पैन कार्ड के अंदर वो आपको यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी जो पैन कार्ड के अंदर जो लिखी हुई है दोस्तों, वही आपको यहाँ पर डालना है, और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। दोस्तों मोबाइल नंबर आप कोई सा भी फिल कर सकते हो, आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले तो ऐसा पैन कार्ड नंबर आपको फिल करके मिलता हूँ जो मेरा आधार कार्ड से लिंक है। ठीक दोस्तों, उसको फिल करके आपको बताता हूँ कि उसके आपके सामने क्या आएगा। ठीक दोस्तों, उसका दूसरे दोबारा डालूंगा मैं आपको ऐसा पैन कार्ड नंबर डालूंगा जो अभी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ठीक दोस्तों, फिर उसके सामने क्या आता है, इस प्रकार से आप पता भी कर सकते हो कि पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक था तो आपके सामने क्या रहा है, और नहीं होगा तो क्या आएगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों मैं आपको पैन कार्ड और ये सारी डिटेल आपको फिल करके मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी चीज़ फिल कर ली है, अब कंटिन्यू पर आपको दबाना है। कंटिन्यू पर दबाने को दोस्तों आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला है दोस्तों, उस पर एक ओटीपी जाएगा। आप देख सकते हैं ओटीपी यहाँ पर आ गया है, अब ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ओटीपी फिल करके मिलता हूँ। ठीक दोस्तों, मैंने ओटीपी को यहाँ पर फिल कर लिया है, उसके बाद आपको ऊपर चलना है, ऊपर चलना है, ऊपर चलना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बेल डेट पर आपको दबाना होगा। ठीक दोस्तों, बेल डेट पर दबाने के बाद दोस्तों जैसे ही आपने बेल डेट पर दबाया, आपके सामने एक ऑप्शन आ गया, एन इज एक्टिवेट एंड डिटेल आर एज पर पैन। तो दोस्तों आपका जो भी पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है, और अभी पैन कार्ड आपका ये वाला पैन इज एक्टिवेट, मतलब आपका इन ये ऑपरेटिव है, आप ये इन ऑपरेटिव नहीं हुआ है क्योंकि ये पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा आपको पैन कार्ड नंबर मैं आपको फिल करके मिलता हूँ जो आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है। दोस्तों अब वही सारी सेम चीज़ मैं ऐसे ही पैन कार्ड की डाल दूंगा जो अभी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये सारी चीज़ फिल करके मिलता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर फिल कर लिया, अब कंटिन्यू पे दबाना है। कंटिन्यू पे दबाने के बाद दोस्तों जो वो दोबारा से ऐसा ही आएगा कि आपके जो भी आधार कार्ड जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ओटीपी को फिल कर लिया, उसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे चलना है, और दोबारा से आपको बेल डेट पर आपको दबाना होगा। तो दोस्तों आपके सामने जैसे बेल डेट पर दबाते हो तो आपके सामने लिखा आ जाता है पैन इज एक्टिवेटेड बट डिटेल आर नॉट एज पर पैन। तो दोस्तों ये पहले जो ऑप्शन आता वो ग्रीन में आ रहा था, आपका पैन तो एक्टिवेट है दोस्तों, लेकिन ये अभी रेड में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक दोस्तों, यदि कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।